हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थर्सडे है और मॉर्निंग के टाइम है। अभी जस्ट मैंने चाय बनाई है, तो चाय पीऊंगी। तो आज का ब्रेकफास्ट मेरा चाय बिस्किट होगा। और अभी टाइम काफी हो चुका है 9:30, और आज ब्रेकफास्ट करने में बहुत लेट हो रहा है, इसलिए क्योंकि सुबह से मैं वीडियो में लगी हूँ, क्योंकि आज मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। तो मतलब कुछ एडिटिंग का काम बाकी था, तो वो एडिट करके फिर उसको टैग वर्ग लिख के मैंने सेंड कर दिया है, और फाइनली अभी सेंड हुआ है वीडियो। और अभी 9:30 टाइम हो रहा है, तो फटाक से उठ के मैंने फ्रेश होके मैं सोचा चलो चाय पी लेते हैं बिस्किट। और सर्दी में जब सर्दी लगता है ना, जुकाम होता है, तो मुंह का कुछ टेस्ट नहीं रहता है, तो नाश्ता भी कुछ खाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने हेयर ऑयल किया है, मतलब सरसों का तेल लगाई हूँ सिर पे, ताकि सर्दी मेरा झटपट मतलब ठीक हो जाए और अच्छे से मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ, मेरा काम में मैं ध्यान दे पाऊँ। और बहुत तुरंत तुरंत मतलब जल्द जल्द मुझे सर्दी लग जाता है, पता नहीं इसका रीजन क्या है। तो बस वही चाय बिस्किट खाऊंगी, और एक ब्लॉग सेंड हो जाता है तो बहुत टेंशन, मतलब बहुत रिलीफ महसूस होता है कि कल रात से मैं एडिट कर रही थी, बट बहुत काम रहता है और उसको पढ़ाना रहता है, तो वो सब काम करके फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी भी मेरा कोई मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का, बट मैंने सोचा कि नहीं चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं हमेशा की तरह वही देखिए बड़ा बर्तन में चाय बना रही हूँ, क्योंकि ये दूध का बर्तन है और दूसरा बर्तन क्या लगाऊंगी, तो इसी में ही मैं चाय बना रही हूँ। हमेशा मैं वही करती हूँ, तो आज भी मैं वही की, तो मैं सोची चलो आप लोग को फिर से मैं बता देती हूँ। और चाय वाय पी के नाश्ता करके मैं थोड़ा सा घर का भी काम कर लिया है, और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, लंच बनाऊँगी। और ये है खीर बनाऊँगी, ये गोविंद भोग चावल है, तो ये देखिए इंडक्शन में मैंने राइस चढ़ा दिया है। तो गोविंद भोग चावल को मैंने भिगो के रख दिया था पहले से, क्योंकि खीर बनाएंगे बोल के। और फिर उसके बाद दूध बॉयल हो गया है, तो मैं इसको ऐड कर दिया है चावल को। और खीर बन के तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने एक भी ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ, क्योंकि बाबू ने मना किया है, बोला है मम्मा प्लेन खीर खाना है मुझे, तो इसीलिए एक भी ड्राई फ्रूट मैंने इसमें नहीं डाला है। और फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो फिर खीर को मैंने पहले बना ली, क्योंकि ठंडा करूँगी इसको, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए, क्योंकि बाबू को ठंडा खीर पसंद है इसलिए। और फिर इसके बाद मैं लंच बना लूँगी। और ये फूलगोभी मैं काट रही हूँ, फूलगोभी आलू का सब्जी और लेमन दही फिश करी बनेगा। और ये फूलगोभी बहुत ही ताज़ा फूलगोभी है, एक्चुअली विंटर का सब्जी अभी ऐसा मिलता है, तो ये छोटू सा क्यूट सा फूलगोभी है और बहुत ही ताज़ा फूलगोभी है ये, एकदम खिला खिला। और फूलगोभी मैं जब भी काटती हूँ तो गर्म पानी को पहले रख देती हूँ, फिर उसके बाद उसको काट के रखती हूँ, बट आज मैं भूल गई हूँ, तो यही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अभी कि मैं आज भूल गई हूँ। आप देखिए फूलगोभी कितना खिला खिला है, ताज़ा ताज़ा है। और मैं क्या करूँगी, तो कोई उपाय तो निकलना पड़ेगा, तो ऊपर से मैं गर्म पानी डाल दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी, फिर उसके बाद प्लेन वाटर से फिर इसको वॉश कर लूँगी। तो गर्म पानी डालने से क्या होता है, फूलगोभी में कीड़ा तो रहता ही है, तो वो कीड़ा वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो हमेशा मैं वो करती हूँ, बट आज मैं भूल गई हूँ।
भैया है, मैंने लिस्ट दे दिया है। अभी राशन वाला भैया कब तक आएंगे पता नहीं है, तो इसीलिए ऑयल देखिए ये ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा सा है इसमें आग हो जाएगा, और नमक भी ख़त्म हो गया है। बट नमक एक्स्ट्रा मैं एनी टाइम रखती हूँ, पता नहीं, मतलब नमक तो चाहिए ही चाहिए हर एक चीज़ में, तो इसीलिए नमक मैं हमेशा एक्स्ट्रा पैकेट रख देती हूँ, तो एक्स्ट्रा पैकेट नमक का है। बट ज़्यादातर चीज़ जो की है वो ख़त्म हो गई है, जैसे कि मसूर का दाल ख़त्म हो गई है, चीनी ख़त्म हो गई है, और पता नहीं राशन वाला भैया कब आएंगे, बोले तो हैं शाम तक आ जाएंगे राशन लेके, तो देखते हैं आते ही तो अच्छा है, नहीं तो दिक्कत हो रही है। और मछली वगैरह से तो ज़्यादा ही तेल लगता है ना, तो मुझे लग रहा है कि क्या होगा क्या होगा, तो देखते हैं, इसीलिए काम चलाना पड़ेगा नहीं तो। और इधर मैंने फूलगोभी को फ्राई करने के लिए रख दिया है, और इस साइड में फूलगोभी फ्राई हो रहा है, फूलगोभी आलू फ्राई, फूलगोभी थोड़ा सा गलने में टाइम लग गई इसलिए ढक्कन लगा दिया है, और जब मैंने मछली फ्राई कर ली थी तो ये हो जाएगा, तो इसका खट्टा बनाऊंगी लेमन, लेमन देखिए इसका खट्टा बनेगा, बहुत टेस्टी लगता है वो खाने में। और मेरा ना वो राइस बन गया है और खीर भी बन गया है, तो बाबू ना बहुत दिन से नहीं, कल परसों से बोल रहा है कि मम्मा मुझे खीर खाना है, खीर खाना है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला है, क्योंकि आज उसको ज़्यादा मतलब ऐसे वो खा लेता है बादाम वगैरह, लेकिन खीर में अगर डालेंगे तो वो नहीं खाता है, तो इसीलिए सिंपल सा बनाई हूँ, एकदम प्लेन सा खीर बनाई हूँ, तो वो बन गया है। और फूलगोभी आलू फ्राई इसको मैं फ्राई करूंगी, रस वाला नहीं करूंगी, ये हो जाएगा तो बस हो जाएगा, और फिर मछली फ्राई हो जाएगा तो उसको लेमन देख के उसका खट्टा बना लेंगे। और सर्दी में क्या है मुंह का कुछ टेस्ट नहीं है, तो लेमन देके खट्टा जो फ्राई मछली है ना वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ग्रेप मतलब लेमन देके जो फिश करी बनाऊंगी वो बनाना है, और मेरा हाफ पे स्पून, क्योंकि मैं अभी खीर को टेस्ट करके देखूंगी। एक्चुअली खीर मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा ना लालच आ रहा है एक बार टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बना है, मुझे भी खीर बहुत पसंद है, तो चलो देख लेते हैं। आप लोग के लिए, आप लोग भी खा लीजिए, खिला तो नहीं पाऊंगी बस ऐसी। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। कोई आए है देखते हैं, चलो आगे। और ये मेरा मछली बन गया है, और ये लेमन देख के मछली है, तो ये बहुत टेस्टी बनता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, लेमन का स्मेल होता है, सब मिला जुला के बहुत ही अच्छा डिश है ये। और लंच भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग दोपहर का खाना वगैरह खा लेंगे, तो फिर मिलती हूँ आप लोग से शाम में। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी हो गया है शाम के टाइम, अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है 4:45, और आरुष का ट्यूशन से रहा है, आरुष ट्यूशन पढ़ रहे हैं,
तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बात कर रही हूँ और तो इसीलिए मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और आज मैं बनाऊंगी पकौड़ी, तो आलू के और गोभी के पकौड़ी बनाऊंगी। एक्चुअली कल सब्जी मंडी से ना बहुत क्यूट सा, मतलब ऐसे छोटा 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 साइज का दो गोभी लेके आए हैं ताजा ताजा। तो वो ताजा ताजा गोभी देख के ना मुझे पकौड़ी बनने के मन कर रहा है, और साथ में आलू का, आलू एक्चुअली हम लोग का फेवरेट है, चलो चलता है। एक्चुअली हमेशा मैं प्याज का पकौड़ी बनाती रहती हूँ ना, तो मैं आज सोची चलो ये आलू का पकौड़ी बनाते हैं। और हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, आज जल्दी आ गए हैं, और सर बोल रहे हैं कि वो क्या बोलता है ब्लैक टी पियेंगे, और हम लोग के लिए बनाएंगे मिल्क टी, और पकौड़ी तो सबके लिए। तो चलो चलते हैं किचन में। और अभी यहाँ पे ना सर्दी काफ़ी हो, मतलब काफ़ी गिर गया है, सर्दी आ गया है, और मैं स्वेटर पहनी हुई देखिए, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम ज़्यादा लग रहा है, पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं है, बट शाम के टाइम और सुबह के टाइम ज़्यादा हो रहा है। और इस टाइम अगर स्वेटर वगैरह, मतलब गर्म कपड़ा नहीं पहनूंगी तो तुरंत सर्दी लग जाएगा। ऐसे तो मुझे सर्दी लगा हुआ है, फिर से सर्दी लग जाएगा, जुकाम हो जाएगा। तो इस टाइम जो कि है गर्म कपड़ा पहनना ज़रूरी है। एक्चुअली इस टाइम जुकाम होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, गर्मी के बाद सर्दी। तो बस इस चीज़ का ध्यान आप लोग भी रखिएगा, मैं रख रही हूँ। तो चलो बहुत बात हो गया, अभी किचन में चलते हैं। चलो, तो यहाँ पे आलू का पकौड़ी बनाने के लिए आलू को मैंने गोल गोल चिप्स जैसा काट लिया है, और बेसन का बैटर मैंने पहले ही बना लिया है। तो बैटर में सिर्फ मीठा सोडा, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, नमक देके बेसन का एक अच्छा सा बैटर बना लिया है। और बस आलू को बेसन में डिप करके गरम तेल में इसको फ्राई कर लेना है, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो पकौड़ी बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फूलगोभी को भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है, और इधर मैंने ब्लैक टी बना रही हूँ सैर के लिए, तो सैर को पहले मैं दे दूँगी क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए मिल्क टी बनाएंगे। तो अभी सैर भी जा चुके हैं और सारा पकौड़ी भी तैयार हो चुका है, और अभी हम बना रहे हैं चाय। तो बस शाम का चाय होगा हम लोग का। और फ्रेंड, बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए पकौड़ी, सारा पकौड़ी बनके तैयार हो चुका है, और फूलगोभी का है और आलू का है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।